लॉरेंस स्कूल सनावर के 170वें स्थापना दिवस पर काफी धूम देखने को मिली। इस मौके पर श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर चरणजीत सिंह सिद्धू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर परेड की सलामी ली और विद्यार्थियों द्वारा पेश की गई परेड की जमकर सराहना की। परेड में 1954 बैच के दो ओल्ड सीनियरों ने भी भाग लिया, जिनका सभी लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। चरणजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि वे सनावर के 1969 बैच के स्टूडेंट हैं। अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लंबे समय बाद अपने रूट में पहुंचने का अवसर मिला है। उन्होंने अपने बैच के साथियों अध्यापकों समेत सनावर के कर्मचारियों को याद किया। उन्होंने बताया कि नीलगिरी हाउस के वे स्टूडेंट थे। श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर चरणजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि यंग एंड मॉडर्न इंडिया एनर्जी को स्किल में बदलना होगा, तभी भारत की इकोनॉमी ज्यादा ग्रोथ करेगी। चरणजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत को विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था की कतार में खड़ा करने का जिम्मा युवाओं के कंधों पर है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईमानदारी व लगन के साथ मेहनत की जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी।